हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलराउंडर्स में। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार आप सर्विस प्लस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर सर्च कर लेना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सीधा सर्च कर लेना है या फिर आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा लिंक सर्विस ऑनलाइन बिहार .gov.in, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का लुकआउट दिखेगा। इसमें साइड में देखिए खुद का पंजीकरण लिखा हुआ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पूरा डिटेल इसमें फिल करना है, आपका पूरा नाम, अपना नाम डाल देते हैं, आपका ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर हम डाल लेंगे, आपको अपना फ़ोन नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद एक पासवर्ड बना लेना है जिसमें कि अल्फ़ाबेट वगैरह मिक्सअप होना चाहिए, कैपिटल स्पेशल करेक्टर, एक अपर लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो उस तरह से आप मिला करके अपना पासवर्ड बना लीजिए। तो हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपको बिहार को बिहार ही रहने देना है, देन कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का लुकआउट दिखेगा जिसमें वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जाएगा। तो चलते हैं आगे। वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, तो आपको दोनों ओटीपी इसमें डालना होगा। तो हम अपना ओटीपी इसमें डाल लेते हैं, ईमेल पर जो आया है और जो मोबाइल पर आया है उसको मोबाइल ओटीपी में भर देते हैं। तो भरने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन HTTPS। तो हम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस पर। तो चलिए चलते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का लुकआउट दिखेगा। इसमें आपको लॉगिन आईडी में अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है। तो अपना फ़ोन नंबर डाल लेते हैं जिस नंबर से हम रजिस्ट्रेशन किए हैं। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है, या तो फिर आप अपने फ़ोन पर ओटीपी भी मंगा सकते हैं यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं। तो आगे हम अपना कैप्चा कोड जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो डाल लेंगे। लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का लुकआउट दिखेगा। आपका आईडी लॉगिन हो चुका है, आप यहां से सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाति आवासीय आय इत्यादि, मतलब जितने भी फॉर्म आपको दिखेंगे आप सब अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब एप्लीकेशन है, आप यहां से अपना एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप फीडबैक भी दे सकते हैं किसी चीज़ में यदि आपको परेशानी होती है। तो यहाँ पर आपका पूरा नाम दिख रहा होगा और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं।